हेलो दोस्तों, मैं हूँ हैरी किचन से। आज मैं आपके लिए 10 मिनट में बनने वाला ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बच्चे बहुत ही खुश होके खाएंगे। आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ चीज़ सॉस पास्ता। तो चलो देखते हैं ये किस तरह से बनाया जाएगा और इसको बनने में सिर्फ 10 मिनट्स का ही वक्त लगता है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम एक कप पानी डालेंगे, फिर हम उसमें एक कप पास्ता डाल देंगे और उसमें हम एक चम्मच देसी घी डालेंगे और इसको बॉईल आने तक हमें कुक करना है। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको ढककर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और पास्ते में बहुत अच्छी तरीके से बॉईल आने लग गया है। इसी टाइम पर अब हमें इसमें एक पैकेट मैगी मसाले का डालना है, जो कि इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। अब हमें इसे बंद नहीं करना है, इसको इसी तरीके से ओपन में बॉईल करना है ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। अब हम इसमें 2 चम्मच टमाटो केचप या फिर आप इसमें शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। हमने इसमें शेजवान सॉस का यूज़ किया है, 2 चम्मच हम वो डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें स्वीट कॉर्न और 1 चम्मच हम इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके बच्चे और भी कोई वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा यम्मी बनाने के लिए हम इसमें बच्चों का फेवरेट चीज़ सॉस डालेंगे। हमने इसमें चीज़ सॉस का यूज़ किया है, जो मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। अगर आपके पास चीज़ सॉस नहीं है तो आप इसमें चीज़ की स्लाइस या मज़रोला भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी सीजनिंग डालेंगे, मिक्स हर्ब की 1 चम्मच, और आप चाहो तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए 10 मिनट्स में हमारा पास्ता बनके तैयार है। गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और इसको अब हम सर्व करेंगे और इसकी हम चीज़ से थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। ऊपर से हम इसके थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आपको मेरी ये बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें।